आपको यह जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति के इन अंगों पर तिल का होना उसे करोड़पति बना सकता है। खासकर किसी महिला के शरीर पर ऐसे तिल होते हैं तो महिला और उसके परिवार वाले बनते हैं करोड़पति। दोस्तों, हर व्यक्ति के शरीर के अंग पर तिल जरूर होते हैं। गालों पर होने के कारण यह चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। ये तिल व्यक्ति का भाग्य और उसका चरित्र भी बताते हैं। शास्त्रों में और सनातन धर्म में बताया गया है कि हमारे शरीर पर ये तिल चरित्र और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन्हें हम तिल, मस्सा और लाल मस्से के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपके शरीर पर कौन सा तिल क्या महत्व रखता है। जिन व्यक्ति के माथे पर तिल होता है वे बहुत धन कमाते हैं, लेकिन वे लोग बहुत खर्चीले भी होते हैं। यह जल्द ही पैसे को खर्च कर लेते हैं और इन्हें अपनी इन्हीं आदतों की वजह से आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है। वहीं जिस स्त्री के माथे के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसी स्त्री भाग्यशाली होती है। वे जिस काम को भी करने का ठान लेती हैं तो इसमें उनका भाग्य भी साथ देता है और ऐसी स्त्री जीवन में हमेशा सफल होती है। वहीं अगर स्त्री के माथे पर बाईं ओर तिल होता है तो उसका जीवन कष्टों और बुराइयों से भरा रहता है। गालों पर तिल। अगर किसी महिला के गाल पर तिल होता है तो वह उसे बुरी नजर से बचाता है, और अगर चेहरे की दाहिनी तरफ तिल होता है तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। भौहों के बीचों बीच तिल। महिला की आईब्रो के बीच में तिल का होना भी बहुत खास महत्व रखता है। ऐसी महिला अपने पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिला के पति को किस्मत का साथ मिलता है और उसके परिवार को भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता। महिला के होठ के ऊपर तिल। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होठ के ऊपर तिल होता है तो ऐसी महिला बहुत ही आकर्षक वाली होती हैं। साथ ही ये काफी मेहनती भी होती हैं। ये अपनी मेहनत की वजह से हर काम में सफलता प्राप्त कर लेती हैं। छाती पर तिल। जिन महिलाओं की छाती पर दाहिनी तरफ तिल होता है तो ऐसी महिला भी बहुत भाग्यशाली और धनवान होती हैं। इनका जीवन साथी भी सुंदर और योग्य होता है। महिला की दाहिनी तरफ का तिल शुभ माना जाता है, जबकि बाईं तरफ का तिल अशुभ माना जाता है। हथेली पर तिल। दोस्तों, अगर बात करें हथेली पर तिल की तो सबसे पहले जान ले कि हथेली के नीचे अंगूठे का भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। जिनकी हथेली के बीच में तिल होता है तो वह जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। वहीं अगर अंगूठे पर तिल होता है तो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती है। अगर तिल अनामिका उंगली पर है तो उसे कभी धन और यश की कमी नहीं होती है। अनामिका उंगली अगर अंगूठे की तरफ से गिने तो अंगूठे को छोड़कर तीसरी उंगली होती है। ठोड़ी पर तिल। ठोड़ी पर तिल होना बताता है कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा है। महिला की ठोड़ी पर अगर तिल हो तो ऐसी महिला धनवान होती है, उनके पास अपार संपत्ति होती है। महिला की कमर पर तिल। कमर पर तिल शुभ माना जाता है और जांघ पर तिल वाली महिला से पुरुष बहुत ही आकर्षित होते हैं। उनका पति हमेशा उनसे खुश रहता है। नाभि के नीचे तिल। यदि किसी महिला की नाभि के नीचे तिल होता है तो उसे जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी महिला भाग्यशाली होने के साथ साथ किसी भी कार्य में सफलता जल्दी पा लेती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जीवन में महिलाओं की वजह से ही खुशहाली आती है। यह बहुत ही पूजनीय होती है, क्योंकि कहा जाता है कि महिला अपने साथ पूरे परिवार का भाग्य लेकर आती है तथा इन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है।